मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हों, उन सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट हम जो पढ़ते हैं वो किस वजह से पढ़ते हैं? ड्यू टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीशीज है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। अब कोई चार्ज बॉडी किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन से ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। वहां से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पढ़ते, हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, इस स्पिन करने की वजह से वो कितना मैग्नेटिज्म जनरेट आउट कर सकता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप ड्यू टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इनटू एन प्लस टू, इसको म्यू एस भी बोलते हैं। म्यू एस बोलने का मतलब इस फॉर्मूला को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एक मैथमेटिकल टर्म है टू डिफाइन मैग्नेटिज्म ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका सबका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट उनके पास होगा। और ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहे हैं, कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहे, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कर देते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। तो ये जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम इज बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताई हुई है कि अगर एम वन है तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या आता है? वन पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट। अगर अल्फा इलेक्ट्रॉन टू है तो टू पॉइंट समथिंग, 2.87 इलेक्ट्रॉन साइड जाता है। 5 है तो 5.9 समथिंग है ना। तो जितने 100 इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही कुछ डेसिमल्स में जाता है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम चार पांच तरह से सॉलिड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंसेस हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आपने जनरल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और हमने कहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सॉलिड में आती किससे है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसका मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक नहीं होते, रादर दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एनवायरमेंट में रिपेल होते हैं उस एक्सटर्नल फील्ड से, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एग्जाम्पल NaCl एंड TiO2। अब Ti देखो टाइटेनियम का कंफिग्रेशन क्या है? आर्गन की तरह 18 4s2 3d2। ये है कंफिग्रेशन आर्गन की तरह 18 4s2 3d2। और टाइटेनियम जब आप प्लस 4 बनाओगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 3d के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो ये रहा टाइटेनियम प्लस 4। इसका मतलब टाइटेनियम प्लस 4 के कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक होंगे, डेफिनेटली डायमैग्नेटिक होंगे क्योंकि टाइटेनियम प्लस 4 खुदे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या हो गए बेटा? NaCl
जब तक आप दूसरी मैग्नेट नहीं लाओगे वो मैग्नेटिक बिहेव नहीं करेगा। एक आयरन की रॉड है, अपने आप में थोड़ी मैग्नेटिक है, लेकिन जैसे आप कोई मैग्नेट ले आओगे वो उस मैग्नेट की तरफ क्या होने लग जाएगी, अट्रैक्ट होने लग जाएगी। तो मतलब वो मैग्नेटिज्म शो तो कर रही है लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और मैग्नेटिक होते हैं सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अभी बोला कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर प्रेजेंट होंगे। होता क्या है, अपने आप में मैग्नेटिकली एक्टिव डोमेन होती हैं इसके अंदर, जैसे समझ लो आयरन है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स तो हैं लेकिन वो अलाइंड नहीं है प्रॉपर, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिज्म क्या है, जीरो। समझ में आ गया। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस रखते हो, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सारी डोमेन्स क्या हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं मैग्नेटिक। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हो ये फिर से ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ कहाँ शुरू हो पाता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो अपने आप में एक्टिव डोमेन्स हैं लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डोमेन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो पाती है, जिसकी वजह से कंपाउंड जो है वो कैसा हो जाता है, मैग्नेटिकली एक्टिव यानी कि पैरा मैग्नेटिक, दो वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एग्जांपल है यहाँ पर वो क्या है, O2 TiO2 NO2। ठीक है, अब देखो O2 और TiO2 को लेते हैं, O2 तो पैरा मैग्नेटिक होता है, किसने एक्सप्लेन किया, MOT ने एक्सप्लेन किया है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेट के पोल्स को चिपकती हुई पाई गई है, कंफर्मिंग दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक। VBT का लिमिटेशन होता है मेजर, VBT वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, किसने एक्सप्लेन किया था, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, MOT ने, तो यस O2 इज पैरामैग्नेटिक। TiO2 में टाइटेनियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बचे, +2, उधर TiO4 O2 में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +4, +4 का मतलब दोनों निकाल दिए, +2 का मतलब सिर्फ आपने इससे निकाला है, 4s से निकाला है, 3D में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से TiO एक कैसा कंपाउंड है, पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड है। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, डायमैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आप स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है पैरामैग्नेटिज्म से, इसमें क्या, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये परमानेंट मैग्नेट्स होती है, मतलब इनमें डोमेन्स जो है वो नॉन अलाइंड होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो नॉन अलाइंड होती है, लेकिन एक बार जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पास कर देते हो ना, तो ये बहुत लंबे समय तक क्या रहती है, अलाइन रहती है, जिसकी वजह से अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी इनमें क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक होते हैं सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, क्यों, फील्ड हटाते ही डोमेन्स फिर से डिसअरेंज हो जाती है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक बार मैग्नेटिक फील्ड से पास कर देने पर बहुत टाइम तक ये कैसे रहती हैं, इनकी डोमेन्स अलाइंड रहती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इनको परमानेंट मैग्नेट्स भी कहा जाता है, या परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में कौन से सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है। तो यही लिखा है मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डोमेन्स व्हिच आर रैंडमली प्रेजेंट and on passing through external magnetic field, these get aligned in the direction of external magnetic field. तो बहुत लंबे समय तक ये ऐसे रहती हैं, इसलिए इनको strongly paramagnetic substances भी कहा जाता है। Example, iron cobalt nickel, इनके बहुत अच्छे example हैं। Next है anti-ferromagnetic substances. इनके पास unpaired electrons तो होते हैं,
एग्जाम्पल है। अब आ गया हमारे पास लास्ट कैटेगरी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस।